हाँ नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से लगातार पहुंच रही होगी दोस्तों। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी शिक्षकों को प्रथम विकल्प में पद स्थापित करने के संबंध में आप देख सकते हैं ACS देख सकते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का बिहार पटना सेवा में आप देख सकते हैं कि सक्षमता परीक्षा सभी शिक्षकों को प्रथम विकल्प में पद स्थापित करने के संबंध में ये पत्र है। आप देख सकते हैं लिखा गया है ACS के पाठक को। आप देख सकते हैं निर्देशानुसार कहना है कि मुख्यमंत्री सचिवालय में प्राप्त आवेदन पत्र को नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई हेतु मूल रूप से संलग्न कर भेजा जा रहा है। अनुरोध है कि कृत कार्रवाई से आवेदक एवं मुख्यमंत्री सचिवालय के वेब पोर्टल पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है पर अपलोड करने की कृपा की जाए। लिखा यहाँ पर लग्नक यथा संलग्न विवरणी आप देख सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे पिंटू कुमार सिंह पटना और यहाँ पे आप देख सकते हैं आशियाना नगर आप देख सकते हैं प्रेषित कहता है पिंटू कुमार सिंह आप इसमें पटना और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा है पटना। QR कोड नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं तो बड़ी अपडेट जो है वो सामने उभर के आ रही है। आगे देखिए खबर आ रही है कि BSEB से प्राप्त सूचना के अनुसार सक्षमता परीक्षा का अंक पत्र 27 अप्रैल से जिला मुख्यालय में मिलेगा, तो अंक पत्र को भी लेकर ये बड़ी अपडेट आ रही है। आगे देखिए खबर आ रही है कि 1.87 लाख सक्षमता परीक्षा पास निजी शिक्षकों के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में KK पाठक ने किया बड़ा बदलाव। तो ये जो है बड़ा बदलाव जो है वो किया गया है। आगे है कि मिशन दक्ष पर दिख रहा है भीषण गर्मी का असर, अप्रैल माह में ही इस बार जून की गर्मी का एहसास हो रहा है। आप देख सकते हैं लिखा है वेब से प्रखंड का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 7 बजे सुबह से ही देख सकते हैं तीखी धूप पड़ने लग रही है और लोग विवश हैं। प्रखंड मुख्यालय से लेकर आप देख सकते हैं सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे में सरकारी विद्यालय एवं निजी विद्यालय देख सकते हैं खुले हैं। शिक्षकों को मिशन दक्ष के नाम पर विद्यालयों में हाजिरी देनी पड़ रही है। 8 बजे से लिखा है कि 10 बजे तक शिक्षकों का विद्यालय जो है वो है यहाँ पर लिखा गया है। दूसरी ओर देख सकते हैं कि BPSC पेपर लीक मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पेपर लीक कैसे हुआ इस पे काफ़ी बड़ा जो है अभी भी डाउट बना हुआ है कि भाई BPSC के चेयरमैन जो हैं इतनी देख सकते हैं कि मेहनत से पेपर करवा रहे थे और बहुत बढ़िया काम भी कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद ही पेपर लीक हुआ है और 5 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। देख सकते हैं कि आरोपियों में 4 पुरुष हैं और 1 महिला है, यानी कि देख सकते हैं कि इसमें बड़ी अपडेट ये आ रही है कि भाई महिला अभ्यर्थी भी जो है इसमें शामिल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। और इधर देख सकते हैं पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, दरभंगा, सुपौल, अररिया, रोहतास, मधुबनी, पूर्व चंपारण, शेखापुरा, जमुई, भोजपुर, सीतामढ़ी, औरंगाबाद। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से बिटा रही है कि भाई यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कैसे कितना है आपको यहाँ पे स्क्रीन पर उसको दिखाई दे रहा है। आगे लिखा है सिवान में लू के थप्पड़ों से लोग परेशान, पारा 42 के पार पहुँचा। और ज़िले में पिछले लिखा है कि 4 दिनों से जारी लू और भीषण गर्मी से लोगों को परेशानी जो है बढ़ रही है। शुक्रवार को दोपहर लिखा है कि जो पारा था 42 डिग्री पहुँच गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बीते 4 दिनों से पारा 40 डिग्री के पार जा रहा है। मौसम विभाग जारी अनुमान के अनुसार शनिवार तक उच्चतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया है। शुक्रवार को देख सकते हैं आर्द्रता 13% दर्ज की गई है। और देख सकते हैं किसानों को गेहूं की कटनी दोनी में परेशानी हो रही है। वहीं देखिए अपडेट आ रही है कि 105 स्कूल के हेडमास्टर का वेतन बंद हुआ, अल्टीमेटम दिया गया है। तो मुजफ्फरपुर से खबर है कि जिले के 105 स्कूल के जो हेडमास्टर का जो वेतन है वो बंद कर दिया गया है। तो 18-19 के बिहार लिखा है दर्शन बिहार दर्शन की मिली राशि का अंगुल बिल नहीं जमा होने के कारण यह कार्रवाई जो है वो की गई है। दूसरी ओर ये भी अपडेट आ रही है कि नियुक्त शिक्षकों का जो वेतन है वो दोगुना करने की मांग जो है वो की जा रही है। और कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि 3948 करोड़ रुपये जो है उस पर खर्च किए जा रहे हैं। वेतन वृद्धि अगर हो भी जाती है तो सरकार के पास यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि 2602 करोड़ रुपए की बचत होगी। श्री मोदी ने वित्त शिक्षकों को गत 4 वर्षों से अनुदान नहीं देने का मामला भी उठाया और स्पष्ट रूप से ये बात जो है क्लियर हो गई, शिक्षकों को
स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इनका वेतन दो है दुगुना करने के बाद भी सरकार पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ने वाला है। वेतनमान में शिक्षकों के लिए 7.4 लाख पद जो है वो सृजित हैं, लेकिन कार्यरत हैं महज 94,000 हो सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी अपडेट जो है वो सामने उभर के आ रही है। न्यूज शिक्षकों से दोस्तों उम्मीद नहीं, नजर से लीजिएगा। धन्यवाद। तो जय हिंद, जय भारत।